उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ऊना के 53वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का उचित मंच मिलता है और खेलकूद शैक्षणिक सहित अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऊना महाविद्यालय का एक इतिहास है, इसका विकास और विस्तार करना सभी का कर्तव्य है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाई जा सके। क्षेत्र में पहले भी बड़ा काम हुआ है और प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों तक शिक्षा का जो है अलग कह सके, खासतौर पर वीरभद्र सिंह जी के समय में बहुत बड़ा काम हुआ। अब हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करने जा रहे हैं, गुणात्मक एजुकेशन और उसके और राजीव जी के नाम पे हमने इंस्टीट्यूशन बनाने की शुरुआत हो रही है, उसके लिए लैंड्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और स्कूल वगैरह बनाने के जैसे पहला बजट आएगा सरकार का जो रुपया साफ होगा। कॉलेज आप देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट थे कॉलेज जो है वहाँ पे डीएवी की पुरानी बिल्डिंग में चला करता था, कॉलेज का बहुत विस्तार हुआ है, कॉलेज बहुत आगे बढ़ा है और ये ऊना कॉलेज ये हमारे इलाके की शान है और इसकी भव्यता भी बनती जा रही है और इसके बच्चे भी जो है देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ काम कर रहे हैं और हमारा टीचर से भी यही है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स की तरफ मत भागो, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकें, यहाँ के स्टूडेंट्स को देश दुनिया में कैसे नाम हो, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हो, चाहे वो खेल जगत से जुड़ी हो, चाहे म्यूजिक की दुनिया से हो, कोई भी दुनिया हर क्षेत्र में। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा, जो कॉलेज हमने देखा था उससे हटके बहुत बड़ी विकास की यात्रा ये कॉलेज तय कर चुका है।